आइडियली अगर आपका फर्ज करें इफ यू सी इन द फ्यूचर कि आपका एक जबरदस्त किस्म का बिजनेस सेटअप है जिसमें आप अपना सारा बाकी काम भी कर रहे हैं तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस डू यू थिंक यू विल बी डूइंग? डेफिनेटली आर्किटेक्चर. आई वांट टू बिल्ड हाउसेस, इकोनॉमिकल हाउसेस फॉर पीपल, जो कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, जहाँ स्मार्ट हाउसेस हैं, जहाँ आपको रिसाइक्लेबल चीज़ें मिल रही हैं. और पता नहीं, मैं तो खैर थोड़ा सा ज़्यादा मलंग हूँ, तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए घर बनाने का आपको दुनिया में ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि आपने छोड़ के तो चले ही जाना है. सो आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस एरिया के बिल्ड हाउसेज विच आर यू नो विच कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड, विच कैन बी जिनको आप उनकी असेंबली ख़त्म कर सकें, उनको तोड़ सकें, उसको दोबारा से डिसइंटीग्रेट करके दोबारा. तो मैं एक बड़ा स्मार्ट मेरे जहन में आइडिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी जल्जले आ जाते हैं, स्मार्ट हाउसेज फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड बिग हाउसेज, लाइक वेरी लैविश लाइफ स्टाइल, एंड मेक हाउसेज फॉर देम. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारा प्लान क्या है कि हमने 60 डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान में शॉर्टलिस्ट किए हैं. 3 लाख सालाना घर चाहिए पाकिस्तान को इस वक्त, जरूरत है सिर्फ ओवरसीज के लिए. और वो एग्जैक्टली जहाँ पे घर बिकता है 60 लाख से शुरू होता है, फिर करोड़ के, आजकल तो करोड़ के ऊपर. एंड वी आर एमिंग के वो 30 लाख के लगभग लेके आए, एंड वी ऑलमोस्ट देयर. इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो प्लान सारी जगह स्टार्ट कर दें. लेकिन अब जब आपने ये बात की है तो मेरे ख्याल में कुछ डिजाइन करके दें हमें, इसमें कोलैबोरेशन भी करेंगे. बिजनेस आपको बिजनेस आपको जो है ना वो इस तरफ से हम एडवाइस देंगे, बाकी जो क्रिएटिविटी है वो आप दें. तो इंशाल्लाह बल्कि इसको लेट्स मेक इट हैपन. कुछ डिजाइन करते हैं, कुछ घर बना के दिखाते हैं दुनिया को के और पता भी चले दिस इज द एंगल. जरूरी नहीं कि हम ईंटों से घर बनाएं, जरूरी नहीं है हम ये सीमेंट के घर बनाएं. चीज़ें बहुत मॉडर्नाइज हो गई हैं. ये हम इतना जो लकड़ी ज़ाया कर रहे होते हैं, इतना फॉरेस्ट को हम ख़त्म कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इतना खेल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं. हम बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं, बहुत सारा वेस्ट हम रीयूटिलाइज कर सकते हैं, और लोगों को हमेशा के लिए बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकते हैं. उन लोगों को जो झोपड़ियों में है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जो बारिश से एनवायरनमेंट से अफेक्टेड है, बारिश, कभी जलजला, कभी कुछ कभी सैलाब, उनके लिए हम बहुत अच्छी. और ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमने कितना और जिंदा रह जाना है. मेरी जो उम्र है, मैं भी 30 साल 40 साल अगर एवरेज जी है तो भी, तो वो तो यूं गुजर जानी है. लेकिन आपको छोड़ जाए ऐसा जो आपके लिए लेगेसी, यू नो लेगेसी. और इसमें देखें, टेक्नोलॉजी तो इस हद तक पहुंच चुकी है, अब 3D प्रिंटर्स आ गए हैं जो घर बना देते हैं और वो एक हफ्ते में बना देते हैं. वी आर वर्किंग ऑन दैट एज़ वेल.